तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं कर्ण के विजय धनुष वीएस अर्जुन के गांडीव धनुष के बारे में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। सबसे पहले बात कर लेते हैं अर्जुन के गांडीव धनुष के बारे में। तो इसे विश्वकर्मा जी ने बनाया था भगवान ब्रह्मा के लिए। इसे ऋषि दधीच जी की हड्डियों से बनाया गया था। ये वही धनुष है जो पिनाक और सारंग के साथ बनाया गया था। ये बहुत ही ज़्यादा बलशाली धनुष था। इसे ब्रह्मा जी के लिए बनाया गया था। ब्रह्मा जी ने इसे वरुण देव को दे दिया था, पर खांडव दहन के दौरान अग्निदेव कहने पर वरुण देव ने अपना गांडीव धनुष अर्जुन को दे दिया था। ये गांडीव धनुष इतना बलशाली था कि इसके निकलने वाले तीर नॉर्मल तीरों से 100 गुना ज़्यादा बलशाली हो जाते थे। ये एक बहुत ही ज़्यादा बलशाली धनुष था। अर्जुन को अपने गांडीव धनुष से बहुत ही ज़्यादा मोह था। उनका मोह गांडीव धनुष से छूटता ही नहीं था। माना जाता है कि गांडीव धनुष को काटना असंभव था। इसकी प्रत्यंचा को काटना भी बहुत मुश्किल था। ऐसा माना जाता है कि इसकी प्रत्यंचा को ब्रह्मास्त्र भी नहीं काट सकता था। ये बहुत ही ज़्यादा बलशाली और विनाशकारी धनुष था। अर्जुन ने सदैव इस धनुष का यूज़ किया। अर्जुन हमेशा ही गांडीव धनुष को लेकर चलते थे। अब बात कर लेते हैं विजय धनुष के बारे में। तो विजय धनुष को भगवान शिव ने बनाया था। विजय धनुष के बनने के ऊपर 3-3 कहानियाँ हैं जिसके ऊपर मैं पहले से वीडियो बना चुका हूँ और एक वीडियो और बनाने वाला हूँ। अब सबसे पहले लोगों का कन्फ्यूज़न दूर कर देते हैं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि कर्ण का विजय धनुष इंद्र का धनुष था, क्योंकि एक बार बॉडी क्रिटिकल एडिशन में कर्ण ने खुद ही कह दिया था कि यह धनुष इंद्र का था। तो इसका रीज़न ये था कि कर्ण को खुद ही नहीं मालूम था कि यह धनुष किसका था, क्योंकि भगवान परशुराम ने कभी भी कर्ण को बताया नहीं था कि यह शिव धनुष है। क्योंकि अगर आप देखो तो जो इंद्र धनुष था वह उन्होंने एक राक्षस को दे दिया था, उस राक्षस ने रुक्मी को दे दिया था, तो वो धनुष तो रुक्मी के पास चला गया था। लेकिन एक ही बात बताइए आप, जब वो धनुष रुक्मी के पास चला गया था तो भगवान परशुराम के पास कैसे आया? ये जो विजय धनुष था भगवान परशुराम के पास, ये भगवान शिव शंकर ने विजय धनुष भगवान परशुराम को दिया था, क्योंकि भगवान परशुराम भगवान शिव के भक्त थे, ना कि इंद्र के। और रही बात इंद्र और परशुराम की, तो इनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, क्योंकि इंद्र केवल एक देव हैं और परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं और भगवान शिव के अनन्य भक्त। उनको इंद्र के किसी भी दिव्यास्त्र की जरूरत नहीं है, ना ही इंद्र का कोई दिव्यास्त्र इस काबिल है कि वो भगवान परशुराम को दे सके। और अगर आप पुराणों में जाते हैं तो ब्रह्मांड पुराण और शिव पुराण के हिसाब से विजय धनुष भगवान शिव शंकर का धनुष था। महाशिव पुराण सेक्शन नंबर 47 के हिसाब से भगवान शिव का ही धनुष था विजय धनुष, और ब्रह्मांड पुराण सेक्शन 27 के हिसाब से भी विजय धनुष एक बहुत ही ज़्यादा बलशाली धनुष था। और ये माना जाता है कि जिसके हाथों में विजय धनुष होता था वह अजय हो जाता था। ये शिव धनुष था, इसलिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा और बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी धनुष था। इसको काटना असंभव था। इसके तीर इतने बलशाली थे कि कर्ण ने अपने आम तीरों से ही अर्जुन के ब्रह्मास्त्र और अर्जुन के सभी दिव्यास्त्रों को काट के रख दिया था, और अर्जुन ने कर्ण के विजय धनुष की एक भी प्रत्यंचा नहीं काट पाया था, क्योंकि धनुष की जान उसकी प्रत्यंचा में होती थी। पर कर्ण ने अर्जुन की 11 बार प्रत्यंचा काटी थी। सोचिए, गांडीव धनुष की जो 11 बार प्रत्यंचा काट सके, जो अर्जुन के सभी दिव्यास्त्रों को काट सके, वो धनुष कितना ज़्यादा बलशाली होगा। और इतना पावरफुल धनुष इंद्र का तो नहीं हो सकता है, क्योंकि इंद्र का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली अस्त्र था वह था उसका वज्र। अगर उसका धनुष होता ये विजय धनुष, तो ये उसका सबसे ज़्यादा शक्तिशाली अस्त्र होता, लेकिन नहीं। इसी कारण से ये इंद्र का नहीं था, ये भगवान शिव शंकर का था। ये धनुष इतना बलशाली था, ये किसी भी अस्त्र को अपने आम तीरों से काट देता था। अर्जुन ने कर्ण अर्जुन अंतिम युद्ध के दौरान अपने सभी दिव्यास्त्र यूज़ कर दिए थे, सिवाय पशुपतास्त्र के, क्योंकि अर्जुन उसे चलाना भूल गए थे। पर कर्ण ने अपने सभी उसके दिव्यास्त्रों को, जो कर्ण की तरफ बढ़ रहे थे, कर्ण ने बड़ी आसानी से उनको आम तीरों से ही काट कर रख दिया, जिससे आप ये सोच ही सकते हैं कि कर्ण का विजय धनुष कितना ज़्यादा बलशाली धनुष होगा। कर्ण का विजय धनुष भगवान शिव का था, और भगवान शिव ने इसे भगवान परशुराम को दिया। भगवान परशुराम ने 21 बार दुनिया को जीत लिया। उसके बाद भगवान परशुराम ने इस धनुष को कर्ण को दे दिया। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारे चैनल माइथोलॉजिकल डिस्कशन सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।